कोरोना महामारी के लॉकडाउन 5 में आज से अनलॉक 1 शुरू हो गया, जिसमें सरकार की ओर से पिछले 2 महीने से अधिक समय से बंद पड़े जयपुर के परकोटे में कई तरीके की छूट दी गई। हालांकि परकोटे के 23 कंटेनमेंट जोन में अभी भी कर्फ्यू की पाबंदियां बरकरार है, तो वहीं परकोटे के बफर जोन में आने वाले बाजारों को खोल दिया गया। अनलॉक 1 के पहले दिन सरकार के गाइडलाइंस की यहां पर कुछ दुकानदारों ने अवहेलना भी की। इस पर माणक चौक थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में कई दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई कर दुकानों को सीज किया गया। सरकार की द्वारा जो नियमों की गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करने के बाद यहाँ पर परकोटे में पुलिस भी लगातार सख्त दिखाई दे रही है और कार्रवाई भी कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दुकान को जो है सीज किया जा रहा है। यहाँ पर क्योंकि दुकानदारों ने जो है यहाँ पर सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरतने की कोशिश की, तो यहाँ पर पुलिस भी पहुँची और कार्रवाई की जा रही है। सर बताएं किस लिए बंद की गई है? अनलॉक 1.0 में जिस तरीके से गाइडलाइंस दी गई थी उन गाइडलाइनों की अवहेलना करने पर, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने पर शहर परकोटे के अंदर जौहरी बाजार में जो बरामदे बने हुए हैं ये आम ग्राहकों के चलने के लिए है, लेकिन दुकानदार ने पूरा सामान बाहर डिस्प्ले करके रखा है और पूरा आवागमन को बाधित कर रखा है और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन दुकानों को सील किया जा रहा है, इनके खिलाफ चालान किया जा रहा है और सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अंदर जो शहर में दुकानें हैं वहाँ कहीं हम भी देखा है तो कई दुकानों पर जो है जरूरत के मुताबिक अधिक लोग खड़े आए, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बिल्कुल पालना करवा रहे हैं ताकि दुकानदारों को पाबंद किया गया। व्यापार मंडलों के साथ मीटिंग की गई है जिसमें हर दुकान के बाहर इस तरीके से सर्किल बनवाए जाएं ताकि कम से कम 2 गज की दूरी रहे, मास्क पहने हुए रहे, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, दुकानदार और ग्राहक के बीच में इस तरीके से फेस शील्ड का इस्तेमाल करें। ये सारे बेसिक प्रोटोकॉल्स इनके व्यापार मंडलों के माध्यम से बता दिया गया, लेकिन परकोटे के अंदर जो बरामदे हैं, जो चार दीवारी के अंदर बरामदे हैं, ये आम लोगों के आवागमन के लिए हैं। अगर इसमें जो भी सामान रखकर आवागमन को बाधित करेगा, सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करेगा, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग की जो भी अवहेलना करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस का साफ संदेश है और यहाँ पर दिया भी जा रहा है। आप देख सकते हैं दुकान को सीज कर दिया गया है, उसका कारण है कि दुकानदार ने जो बरामदा है जहाँ पर लोगों के चलने के लिए जगह होती है वहाँ पर सामान रख दिया गया था। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं ना कहीं जो है अवहेलना की जा रही थी उसके बाद दुकान को सीज कर दिया गया है। ऐसे में अब परकोटे के अंदर पुलिस भी लगातार सख्त नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ हनुमान सिंह चारण A1 TV जयपुर।